तो जो भी अप्रैल 2024 में अपना पब्लिक एग्ज़ाम देने जा रही है उनके लिए भाई आज का आपके लिए भाई क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ 2023 का। और ये क्वेश्चन पेपर आपका बायोलॉजी का, ठीक है, ये पब्लिक एग्ज़ाम का है दोस्तों, जो भी बच्चे देना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे इसके अंदर नंबर दिए जाते हैं, कौन कौन से इसके अंदर पैटर्न होते हैं, कैसे आपको इसके अंदर समझना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप पहले करें, कौन कौन से बाद में करें, ठीक है। तो ये पेपर कितने का होता है, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता हो कि 80 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपका ये डाउट को क्लियर कर देता हूँ कि ये दोस्तों आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। मैं इसके अंदर दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, पूरा का पूरा 80 मार्क्स का पेपर है। उस पेपर को दोस्तों मैं आपका पूरा का पूरा दोस्तों, अगर आपको ये पेपर चाहिए तो इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर जाकर आपको लिखना होगा कि 2023 का पब्लिक एग्ज़ाम का, या फिर दोस्तों ऑन डिमांड जो भी आप देना चाहते हैं ये सबके आपका काम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बस रिपीट करते जाते हैं, ऊपर नीचे रिपीट करते जाते हैं, चाहे कौन से भी आप ऑन डिमांड देना चाहे या फिर पब्लिक देना चाहे, क्वेश्चन आपके लिए वही दोबारा से रिपीटेड हो रहा है, ठीक है, चाहे पब्लिक की बात हो या ऑन डिमांड की। और ऑन डिमांड की अगर बोल दो कि उसके बाद दोस्तों बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ऑन डिमांड का क्वेश्चन पेपर एक बार दिखा दो, तो ऑन डिमांड जो भी देने बच्चे जाते हैं उनका दोस्तों क्वेश्चन पेपर उनको नहीं दिया जाता, यानी आपको ये पेपर नहीं दिया है, ये सिर्फ पब्लिक वालों को मिलता है, ठीक है। पब्लिक वालों को आपको ये घर ले जाने का परमिशन होती है, ऑन डिमांड वालों को नहीं दी जाती है, सीधा उनसे वापस ले लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को डाल लेते हैं, कौन कौन से इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं आपके बायोलॉजी का, ये 2023 सेशन का है, पब्लिक एग्जाम का है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपडेटेड वीडियो अपलोड करूँगा किसी भी या फिर फिजिक्स का अपलोड करूँ आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर का, तो सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि ये बायोलॉजी का, जैसे मैंने बोला था, थ्योरी का आपका क्वेश्चन पेपर है और ये 2023 का है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों आपको कोई भी सेट मिल सकता है, ठीक है, सेट ए होता है, ठीक है, और ये देख सकते हैं बी होता है, ठीक है, और सी, तीन सेट दिए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो तीनों सेट में से आपको कोई भी मिल सकता है, ठीक है, ए मिल जाए, बी मिल जाए, सी मिल जाए, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन आपके सेम रहते हैं। हाँ, बस ये होता है कि आगे पीछे हो सकते हैं, कि आपको पहले पहला क्वेश्चन जो सेट ए में है वो आपका सबसे लास्ट में हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर आप किसी से पूछना चाहें तो आपको क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा किसी से भी, या फिर अगर उसका सेट ए ए है तो अगर आपके बगल में बैठे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों 10वां महीना, ठीक है, ये दोस्तों अप्रैल पब्लिक और अक्टूबर पब्लिक और अप्रैल पब्लिक या फिर ऑन डिमांड जो भी आप देना चाहते हैं ना, ये इस पेपर से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको कैसे इसके अंदर पैटर्न समझ जाएंगे कि कैसे कैसे इसके अंदर आते हैं, टिक मार्क वाले कितने आते हैं और कौन कौन से इसके अंदर क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके बायोलॉजी से, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर भरनी होती है। सबसे पहले आपको ये भरनी होती है, ठीक है, इसके अंदर अपना रोल नंबर लिखना होता है और इसमें आपको डेट लिखना और सिग्नेचर करना चाहे जो भी अपना करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो आपका ये होता है, ठीक है, रोल नंबर। उसके बाद आपका दोस्तों ये दे सकते हैं इसके अंदर कंपलसरी कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर सारे कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, आपको सारे इसके अंदर करने होते हैं, ठीक है, जितने इसके अंदर दिए जाएंगे आपको उतने के उतने इसके अंदर करने होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला फ्रंट पेज, ठीक है। अब दूसरे पेज की बात करूं तो यहां से आपका क्वेश्चन इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। और ये पेपर आपका दोस्तों मैंने जैसे बताया था 80 मार्क्स का होता है, बहुत सारे बोलते हैं कि 100 मार्क्स का होता है, नहीं 100 मार्क्स का नहीं होता, आपका 80 मार्क्स का होता है, क्योंकि 20 मार्क्स का तो आपका प्रैक्टिकली हो जाता है, ठीक है, तो वहां से आपका 100 मार्क्स मान सकते हैं, लेकिन 80 मार्क्स का आपके थ्योरी लिखने वाला होता है। और घंटे की बात को कितने घंटे तक दे सकते हैं दोस्तों, 3 घंटे का आपका पेपर होता है, तो आराम से आप 3 घंटे दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल, यानी आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और करने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जरूर आप टाइम करिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप कुछ भी लिख देंगे आपको नहीं भी आता उसका आंसर, तो क्या पता आपको नंबर उसमें भी दी जाए या फिर मिल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होता है, सारे के सारे, एक भी मत छोड़ना। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दोस्तों इसके अंदर आपके टिक मार्क वाले आ जाते हैं, ठीक है, यानी आपके दोस्तों एक एक नंबर वाले यहाँ से आपके सबसे पहले स्टार्ट हो जाते हैं, और ये एक एक नंबर वाले आपके कम से कम इसके अंदर 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं पहला इसके अंदर कैसे दिया जाए कि सिलेक्ट द फिनोमिना विच मेक इट डिफिकल्ट टू क्लोज अ वुडन डोर ड्यूरिंग मानसून, ठीक है। इसके अंदर बताया गया कि कौन से वुडन डोर मानसून में मतलब इसके अंदर डिफिकल्टी होता है बंद करने में, तो इसके अंदर आपको इनहेबिशन इसका सही आंसर है, ठीक है। ये आपको चूज करने होते हैं कुछ भी, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना, ठीक है। अगर आपको पहले से इसका
आंसर पता है तो आप बेझिझक अपना टिक लगा सकते हैं, नहीं तो टुक्का मारना चाहे तो वो भी मार सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टिक मार्क वाले होते हैं ना, वो सबको सबसे पहले आप टिक मार्क वाले मत करना, सबसे लास्ट में करना। क्योंकि अगर दोस्तों अगर आपके टिक मार्क ही सबसे पहले गलत चले जाए ना, जो चेकर पे बहुत बेकार इंप्रेशन बैठता है कि टिक मार्क ही आपके सारे गलत हैं, तो उसके नंबर आपको अच्छे से नहीं दे पाते वो। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन आपको लिखना जो आता है वो अपना लिख लेना क्वेश्चन। उसके बाद सबसे लास्ट में जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, सारे के सारे जो भी आपने आते थे या फिर जो भी अपने बना के लिखे, उसके बाद आपका पूरा पेपर होने के बाद अपना ये टिक मार्क वाला आराम से कर लेना। ठीक है, जो भी आपको तुक्का उक्का भेड़ना सब भेड़ लेना। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपके 10 मार्क्स तक आते हैं, यानी 10 क्वेश्चन इसके अंदर दिए जाते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये आपके पूरे टोटल हो गए। ठीक है, एक एक नंबर वाले, सॉरी 8 तक दिए जाते हैं, कभी कभी 10 भी दिए जाते हैं, इसमें 8 दे रखे। ठीक है, और 9वें में दोस्तों आपके दो दो नंबर के यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके दो दो नंबर वाले स्टार्ट हो गए। ठीक है, व्हाट इज एंटीजन, एंटीबॉडी क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंसेस बनाने हैं, आप लाइन खींच के भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंटीजन क्या है या फिर एंटीबॉडी यहाँ पे क्या है, या फिर आप डेफिनेशन जैप भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप दो दो नंबर दे सकते हैं, व्हाट इज कन्वर्जन नेचुरल सोर्स। ठीक है, लिस्ट टू रीजंस। ठीक है, इसके दो पॉइंट बना रहे हैं, पहला पॉइंट आप लिख लेंगे यहाँ पे, फिर दूसरा पॉइंट, ऐसे करके आपको दो पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये दोस्तों 11वां आ जाता है। ठीक है, 11वें में दोस्तों आप देख सकते हैं, बाकी दोस्तों इसके अंदर आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, यानी आपको फिलअप भी करना होता है। तो आप अपना फिप का फिल इन द ब्लैंक्स का देख लेना कि इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो ये बता रखा है ब्लड प्रेशर मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, नाम क्या होता है। ठीक है, अगर आपको नाम पता है तो लिख लेना, नहीं तो आप बना के भी लिख सकते हैं कि ब्लड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ब्लड कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी आप बना के लिख सकते हैं, तो आपको सही भी जा सकता है। ठीक है, तो खुला मत छोड़ना, यानी खाली मत छोड़ना, सॉरी खाली मत छोड़ना एक भी, ताकि दोस्तों आपको नंबर फिर मिलने वाले होंगे, क्या पता गलत लिखो फिर भी मिल जाए, और आप अगर खाली छोड़ देंगे आपको नंबर भी कुछ भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से आप दे सकते हैं अपना, यहाँ से 2 नंबर के मार्क्स हो गए। ठीक है, उसके बाद जब 2 नंबर के आप कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रोल डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ से 2 नंबर के बाद आपके यहाँ से 4 नंबर वाले स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी इसके अंदर दे रखे हैं, और इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं मैचिंग वाले भी दे रखे हैं, मैच द आइटम्स कॉलम ए और कॉलम बी में से आपको पहचानने, और इसके अंदर मैचिंग करना। मैचिंग करने का दोस्तों आप ऐसे मत कर देना कि मैचिंग कर ले मैं ऐसे 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 ऐसे, ये नहीं करना। ठीक है, अगर आपको ए का आंसर आपको पता है तो उसके आगे आप लिख देंगे ए का आंसर। ठीक है, ये आपका ए का आंसर हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, ऐसे करके आपको इसके अंदर क्वेश्चन आंसर लिखना है। ठीक है, ए का ये लिख देंगे, बी का अगर पता है, को ए का क्या है, ए का एलिजिबल पार्ट है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, यहाँ पे आप लिख देंगे आपका दूसरा पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट के आगे उसके बाद अपना आंसर लिख देना। ठीक है, ऐसे करके आपको करना है, मैचिंग क्रॉस फिट ऐसे आपको नहीं लिखना। ठीक है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपका पेपर अच्छे से अच्छा जाए। उसके बाद जैसे मैंने बोला था आपके यहाँ से 4 नंबर वाले स्टार्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं 4 नंबर वाले कैसे क्वेश्चन इसके अंदर दिए जाते हैं। तो 4 नंबर वाले भी देख सकते हैं, इसके अंदर आप बना के लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऐसा ट्रायंगल वेंगल वाला भी क्वेश्चन अभी नहीं आया। ठीक है, सिस्टमेटिक फ्लो चार्ट बनाना है, वो आप बना सकते हैं जैसे आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहे, आपको आता तो आप लिख सकते हैं, बाकी आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप ये देख सकते हैं बाकी आंसर, ये 4-4 नंबर वाले। ठीक है, और ये बैलेंस डाइट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट किया जाता है कि बैलेंस डाइट अपना क्या है, अपने जो आपका बैलेंस डाइट है वो भी लिख सकते हैं या फिर बना के भी लिख सकते हैं, ये तो बहुत ही आसान ही है। ठीक है, और बाकी उसके बाद अपना ये ड्रॉ नीट डायग्राम बडिंग ऑफ ईस्ट का मैंने बहुत पहले ही आपको दिखा रहे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने मेरा देखा होगा तो मैंने भी आपको बताया था कि बडिंग ऑफ ईस्ट का इसके अंदर डायग्राम दिया जाता है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, ये सारे देख सकते हैं 4 नंबर वाले, इसका फुल फॉर्म भी आपको इसके अंदर बीसीजी का क्या होता है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, बेसिलिक एल्मिटी ग्यूरिन। ठीक है, डीपीपी का क्या होता है, डिप्टेरिया टेटनस। ठीक है, ये आपके फुल फॉर्म हो गए, आपको फुल फॉर्म भी लिखने होते हैं। ठीक है, वो भी आपने याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों जनरल ओवरऑल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन आपको फोटोसिंथेसिस का लिखना है, जो भी केमिकल इक्वेशन होता है जेड एंड टू करके आपको और करके याद करके लिखना है। ठीक है, ये नहीं किया इसके अंदर आप आंसर लिख दे, केमिकल इक्वेशन बोला इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अपना 6 नंबर के मार्क्स यहाँ से शुरू हो गए,
देख सकते हैं। आज पूरा का पूरा पेपर है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे आपको आता है। 28वें पे पहुँच गए हैं, देख सकते हैं। डायग्राम वाले भी तीन चार आ जाते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर वाला आप डायग्राम तैयार कर लेना, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, विटामिन इसके अंदर बताना है। और आरएनए सोविंग एंटी कोंडन एंड कोडन पेयरिंग इसके अंदर डायग्राम है, ये भी आप देख लेना। उसके बाद ये देख लेना, इसके अंदर मैंने आंसर भी कर रखे हैं, वो भी देख सकते हो। उसके बाद आपका ये फाइनल 30वां क्वेश्चन आ गया, यानी आपका लास्ट है, ये देख सकते हैं। ए बी पार्ट दे रखा है इसके अंदर, 6 के 6 मार्क्स है। और ये आपका पूरा पेपर यहाँ पे आपका फिनिश होता है, ठीक है। तो टोटल इसके अंदर दोस्तों देख सकते हैं कि कैसे आपके पेपर दिए जाते हैं, ठीक है। जो दोस्तों आपके टिक मार्क वाले होते हैं, वो एक एक नंबर वाले, वो सबसे आप लास्ट में करना, ताकि इंप्रेशन बहुत अच्छा बैठे। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर करना, लिखने वाले क्वेश्चन आंसर कर लेना, उसके बाद ही आप अपना जो भी टिक मार्क वाले अंदाजा बेना चाहे, टुक्का बेना चाहे, वो सबसे लास्ट में बेना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी क्वेश्चन पेपर के साथ, फिजिक्स के साथ या फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के साथ। आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना कि आपको इनका क्वेश्चन पेपर चाहिए 2023 वालों का, पब्लिक एग्जाम का। मैं आपका लिए दोस्तों लेके आ जाऊंगा वीडियो उसके ऊपर, और अपलोड करके दोस्तों आप देख सकते हैं सारे का सारा। आज के लिए बस इतना, वीडियो को लाइक कीजिएगा।